Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanisha Halek and I'm your one and only best mentor Tanisha Jaiswal. Guys, थोड़ा सा video time irregular है because ठंडी में यार मेरा मन नहीं करता video बनाने का. पूरा मेरा आलस ना मेरे YouTube पे झलक जाता है कि बंदी कितनी irregular है video बनाने में. Promise करने के बाद भी यार मेरी सारी promise ही टूट जाती है. अब से promise नहीं करूँगी पर बता दे रही हूँ कल 3 video आएगा. बस ये ना टूटे भगवान जी. अच्छा सुनो. So guys, today I'm gonna discuss a very important topic. How to improve concentration. इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी ना कि तुम लोग कंसंट्रेशन इंप्रूव ही कर लोगे. सबसे पहली बात ये समझो कि कोई भी ऑल ऑफ अ सडन आके नहीं पूछ सकता यार मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका बताओ. देखो ये ना वन बाय वन एक प्रोसीजर होता है पूरा, कि तुम ऐसा नहीं कि तुम आज ही पढ़ने बैठे हो तुम 100% कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो. सबसे पहले ये समझो कि कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन एनी सब्जेक्ट. ओके, बी इट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा फेवरेट हो, और जो फेवरेट नहीं है उसमें इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप करें वो भी बताऊंगी. तो उसका एक इक्वेशन है, ठीक है. पहले एक कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. एंड जब कंसंट्रेशन करोगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग तो हो ही जाएगी. तो सबसे पहले तुम डिफरेंस समझो. जो कॉन्फिडेंट बच्चा होता है जो कॉन्फिडेंट नहीं होता. जो कॉन्फिडेंट बच्चा होता है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है पढ़ने के लिए. वो पढ़ाई से प्यार करता है, उसको पता है कि वो क्यों पढ़ रहा है, ठीक है. और उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने सॉल्व कर लेंगे. और जो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो अपने आप को फोर्स करके पढ़ता है, यूट्यूब वीडियो खोज के मोटिवेशन खोज के पढ़ता है, सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता है. और उसका ना नेगेटिव माइंडसेट होता है, यार मेरे से तो फिजिक्स होता ही नहीं है, मेरे से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, मेरे को तो बायो याद नहीं होता है. ये माइंडसेट से वो क्वेश्चन करता है तो वैसे ही उसको नहीं समझ में आता है. भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा सब्जेक्ट में. अब इंटरेस्ट तुम्हें बता दूंगी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करे, ठीक है. तो मैं ना क्या करूंगी, अपने शक्ल पे ना 3 ग्राफ लगा दूंगी और उसमें से तुम्हें वो ग्राफ देख के मैं समझाती हूँ. वो ग्राफ तुम्हें ना तुम्हारी गलती समझ में आएंगी. तो अभी ध्यान से ग्राफ देखो. देखो फर्स्ट अप्रोच में बच्चा क्या करता है, लेवल 1 का क्वेश्चन करता है, सॉल्व हो जाता है, भाई भयंकर कॉन्फिडेंस. लेवल 2 को स्किप करके जाता है लेवल 3 पे, फेल करता है, लो कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट लॉस हो गया उसका, भाई उसका गया इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से. अप्रोच 2 में क्या करता है, स्टूडेंट्स गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड मूव्स डायरेक्टली टू लेवल 3. भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस बंदे का तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होता. सबसे पहले लेवल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करता है, फेल हो जाता है लो कॉन्फिडेंस. फिर लेवल 2 पे भी आता है तो भी फेल हो जाता है. भाई डायरेक्टली लेवल 3 पे चला गया ना, तुम लेक्चर करने के तुरंत बाद PYQ कर रहे हो तो तुम ये सेकंड अप्रोच वाले बंदे हो. तुम्हें पहले सर ने जो कराया उसको अच्छे से रिवाइज करना है, DPP लगाना है, टेस्ट देना है, फिर PYQ करना है. अभी तक ना तुम अप्रोच 1 और 2 से कर रहे होगे. अभी ना अप्रोच 3 देखो. जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना वो 3rd वाले अप्रोच को फॉलो करता है. वो देखो ग्राफ देखो ध्यान से. जो बच्चा सिलेक्शन पाता है वो सबसे पहले लेवल 1 करता है, कॉन्फिडेंस गेन करता है, लेवल 2 पे जाता है, फिर कॉन्फिडेंस गेन करता है, फिर लेवल 3 पे जाता है. मतलब पहले लेक्चर करता है, लेक्चर में सर ने जो क्वेश्चंस कराए वो करता है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करता है, रिवाइज करता है, DPP लगाता है, हो सके तो मॉड्यूल लगा लेता है, टेस्ट देता है, फिर PYQ करता है. अच्छा तो जो अच्छा बच्चा होता है ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है तो क्या करता है, वो एक बार अपनी लेक्चर नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज कर लेता है ताकि उसके कोई कॉन्सेप्ट्स छूटे ना रहे और बार बार नोट्स रिवाइज हो जाए. उससे क्या होता है ना कि सारे क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd अटेम्प्ट में मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तो तुम्हें खुद में लाना पड़ेगा ना कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है, पॉजिटिव माइंड सेट. ओके, फिर उसके बाद तुम्हें मैंने अप्रोच बता दिया. अगर अप्रोच करेक्ट होगा तुम कंसंट्रेट पक्का से करोगे. कंसंट्रेट करोगे तो लर्निंग. और मैं टिप्स देती हूँ अब तुम्हें कंसंट्रेशन बढ़ाने के. सो द टिप नंबर 1 इज प्लीज टेक कंप्लीट स्लीप. मोर ऑफन लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्लीट स्लीप. सो प्रॉमिस मी टूडे यू विल नेवर ट्राई टू इंक्रीज योर स्टडी आर एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप. पता है मेरा ना एक पर्सनल गाइडेंस का बच्चा था, इतना ओवर मोटिवेट होके वो एक दिन 17 आवर्स पढ़ा. मैंने डायरेक्टली बोला तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उस दिन सिर्फ 4.5 घंटे सोए हैं. और यू वॉन्ट बिलीव दूसरे दिन उसका पढ़ाई में मन नहीं किया, क्योंकि यार ऐसे ऐसे क्या पढ़ने का मतलब है. रोज पढ़ो फिक्स्ड, तुम 6 घंटे ही पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंटली रोज 6 घंटे पढ़ो, तो ऐसे पढ़ना.
सो द टिप नंबर टू इज कोई भी फोटोग्राफ अपने ड्रीम कॉलेज का या कुछ भी लिख के टेबल के सेंटर टेबल के सामने चिपका दो। देखो यार, मेडिटेशन सीखना पड़ता है, ठीक है, मेडिटेट होता नहीं है, मेरे से भी नहीं होता है। उसको ना बस 15 मिनट टाइमर लगा के रोज सुबह उठ के देखो, पूरा दिमाग ब्लैंक करके जब तुम एक चीज पे फोकस करोगे, चाहे कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और जब भी पढ़ा करो ना, एकदम ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए रूम में। मैं तो पूरी 3-4 लाइट जला के पढ़ती थी, प्लस अपना टेबल लैम्प भी, क्योंकि यार लाइट डिम होती है ना तो आँख पे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है तो फिर ऐसे नींद सी आती है, नींद सी आती है तो कंसंट्रेशन तुरंत चला जाता है। अच्छा, जब तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाने लगता है तो तुम कॉन्शियस हो जाया करोगे, नहीं यार मैं भटक रही हूँ, आई एम वंडरिंग समथिंग, और मैं इस थॉट में फंसी हूँ, एक रफ कॉपी लेके बैठो, तुरंत वो थॉट जो परेशान कर रहा उसको लिख लो और फिर उस पर सोचो कि क्या ये मेरे पढ़ाई से ज़रूरी है, नहीं है ना, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। टिप नंबर 3 इज बी एक्टिव वॉट एवर यू डू। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो रफ कॉपी में सॉल्व करो उसको, ऐसे नहीं है कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है, एकदम मूवी चल रही है देख रहे, काफ़ी बच्चे देखते हैं ऐसे। और अगर तुम बायो पढ़ रहे हो तो बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के एक्टिवली पढ़ो, आँख बंद करके रिकॉल करो, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। टारगेट के आगे टाइम लिखो, टाइमर लगाओ, और उतने टाइमर के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है वो टारगेट। और ना कभी 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 ये ना सोचा करो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अबे 55 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स थोड़ा सा घूम घूम लो, खड़े हो जाओ, पोस्चर चेंज कर लो, बैठ के पढ़ लो काफ़ी देर से तो खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ रहे हो थोड़ा चल लो। इतना ऐसा नहीं होता यार कि जो 3 घंटे बैठ पाता है उसी का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। तुम्हें जितना सही लगे उतना पढ़ा करो। मैं तुम्हें मस्त सा आइडिया देती हूँ, मैंने बहुत बच्चों को दिया है। देखो अभी तुम मेरा वीडियो देखने के बाद पढ़ने बैठोगे एकदम फ्रेश माइंड से, अपना टाइमर स्टार्ट कर देना। फिर तुम्हें जैसे लगे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, टाइमर स्टॉप कर देना। सबका अलग अलग होता है कंसंट्रेशन आर, या कंसंट्रेशन जितना देर तक कंसंट्रेशन ड्यूरेशन बोल सकते हो उसको, परफेक्ट टर्म। तो तुम जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा 42 मिनट्स है, तो अब मैं 42 मिनट्स के स्लॉट में ही पढ़ूंगी, 42 मिनट्स स्लॉट पढ़ूंगी। सबका अलग अलग होता है, चलो मान लो तुम 47 है, तुम 47 मतलब ऐसा ऑड मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सबको अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं 42 मिनट्स के स्लॉट में पढ़ूंगी और बीच में 5 मिनट में पानी पी लूँगी, वॉशरूम चली जाऊँगी, थोड़ा टहल लूँगी या चॉकलेट खा लूँगी, लेकिन 5 मिनट, फिर उसके बाद 42 मिनट का स्लॉट लगाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे 42 मिनट्स का 3 स्लॉट लगा के एक लंबा सा ब्रेक लूँगी 15 या 20 मिनट का, जिसमें जाके मैं मम्मा से बात कर लूँगी, अपने फ्रेंड से बात कर लूँगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाया है और इतनी ठंडी में बनाया है। तो तुम लाइक कर दिया करो यार, इतने गंदे हो तुम लोग, छी लाइक नहीं करते हो वीडियो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट तो करते ही हो, प्यार भी करते ही हो। और कल ना 3 वीडियो आएगा, अभी मैं रात भर बैठ के रिकॉर्डिंग करूँगी। लव यू गाइज, बाय।